हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और हम कर रहे थे ICSE क्लास 10 फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स। चैप्टर था करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसके हमने कुछ सम्स कर लिए, कुछ फार्मूला भी बता दिया मैंने सेक्शन ए का। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ये रहा आई लिंक, वीडियोज़ चेकआउट जरूर करो। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सम नंबर 6 से। 5 सम्स कर दिए थे ना, तो नंबर 6 से करते हैं। बट नंबर 6 सम करने से पहले एक बार और याद दिला दूं, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको तो मैं करूंगी, बट साथ ही साथ अच्छी प्रिपरेशन के लिए सैम्पल पेपर्स को सॉल्व करना स्टार्ट करो। एक बुक मैं रिकमेंड करना चाहूंगी सैम्पल पेपर्स के लिए, दिस इज़ ओसवाल का। देखो 61 सैम्पल पेपर्स हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर्स इसमें हैं। इस बुक में ICSE बोर्ड के 16 जो सब्जेक्ट्स हैं सबके सैम्पल पेपर्स दिए गए हैं, सारे सॉल्व सैम्पल पेपर्स हैं, साथ में एक अनसॉल्व सैम्पल पेपर भी रहेगा हर एक सब्जेक्ट का, जिसका सॉल्यूशन इस QR कोड को स्कैन करके पा सकते हो। अब जैसे ये फिजिक्स का सैम्पल पेपर है, इसके जो फॉर्मेट है ये बिल्कुल जो बोर्ड में आने वाला है बिल्कुल इसी फॉर्मेट में है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को असेंबल करके ये पेपर बनाए गए हैं और पेपर के एंड होने के बाद में लास्ट में सारे सॉल्यूशन दिए गए हैं। सो इस बुक की परचेज लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, इसको जरूर खरीदना और प्रैक्टिस करना। सो चलो अब स्टार्ट करते हैं सम नंबर 6 से। लिखा है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 5 ओम कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट। तो हमको अगेन दो चीज़ें दी गई है नंबर 6 में, एक रेजिस्टेंस दिया गया है और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस दिया गया है। रेजिस्टेंस है 5 ओम और पोटेंशियल डिफरेंस है 3 वोल्ट। तो हम अगेन ओम्स लॉ लगाएंगे, तो हम लिखेंगे बाई ओम्स लॉ वी इज़ इक्वल टू आई आर होता है, यानी कि आई इज़ इक्वल टू वी अपॉन आर हुआ, वी अपॉन आर यानी कि 3/5। तो पॉइंट में आंसर आ रहा है 0.6 एम्पियर, दिस इज़ योर आंसर। नाउ नेक्स्ट सम है टू वायर्स ऑफ द सेम मटीरियल एंड सेम लेंथ हैव रेडियाई 1 mm एंड 2 mm रेस्पेक्टिवली, कंपेयर नंबर 1 देयर रेजिस्टेंसेस एंड नंबर 2 देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, नाउ नंबर 1 में आते हैं, पहले उनका रेजिस्टेंस को कंपेयर करना है। दो वायर है सेम लेंथ के ना, तो सेम लेंथ के यानी कि ये फर्स्ट वायर इधर है, ओके, और सेकेंड वायर मैं इधर लिख देती हूँ। इन दोनों का लेंथ सेम ही है, तो L दोनों का लेंथ को L ले लेते हैं। इसका रेडियस जो है, रेडियस नंबर 1 वो है 1 mm और इसका जो रेडियस नंबर 2 है वो है 2 mm। ओके, अब हमको इनका रेजिस्टेंस को कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हमको देखो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाई लेंथ अपॉन एरिया, ठीक है, ये होता है। नाउ एरिया हमको इसका मतलब इस वायर का और उस वायर का दोनों का निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये वायर है तो उसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सर्कुलर फॉर्म ही होगा पाई आर स्क्वायर। 1 mm है, उसको मैं जरूर मीटर में चेंज करूँगी, तो 1/1000 ये मीटर हो गया। अब हम एरिया अगर निकालें तो एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर का स्क्वायर यानी 1/1000 का स्क्वायर, ठीक है, ये फर्स्ट वायर। सेकंड वायर का एरिया अगेन 2 mm को मैं 2/1000 तो मीटर हो गया, और छोटा करना है क्या, चलो 1/500 कर देते हैं, ये हो गया मीटर। अब पाई आर स्क्वायर करते हैं, यानी कि पाई और आर का स्क्वायर यानी 1/500 का स्क्वायर, ये स्क्वायर मीटर में दोनों का एरिया आ गया। अब मैं पहले वाले का रेजिस्टेंस निकालती हूँ नंबर 1, और दूसरे वाले का भी रेजिस्टेंस निकालती हूँ नंबर 2, रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ अपॉन एरिया। देखो रेजिस्टिविटी तो एक ही मटेरियल है तो दोनों की सेम ही होगी, तो मैं रो का साइन दे देती हूँ दोनों के लिए। मल्टीप्लाइड बाय लेंथ इसका एल ही माना था, एरिया ये है तो मैं ये लिख दूँ पाई मल्टीप्लाइड बाय 1/1000 इंटू 1/1000। और इसका रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टिविटी तो सेम ही है दोनों की, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, एरिया है पाई 1/500 का स्क्वायर यानी 1/500 इंटू 1/500। अब हमको कंपेयर करना है, मतलब R1 और R2 को रेशियो में, तो
रो एल, ये दोनों 1000 ऊपर चले गए, नीचे रह गया पाई इस टू, यहाँ पे भी वही है रो एल, दोनों 500 ऊपर चले गए, नीचे रह गया पाई, पाई पाई कट गया, एल और पाई यहाँ पे भी कट गए, 1000 और 500 देखो डबल ज़ीरो डबल ज़ीरो इसके कट गए, 5 1 5 5 2 10, वैसे ही 5 यहाँ पे भी 2 10, तो 2 2 4 यहाँ आ रहा है और वहाँ कुछ नहीं बचा यानी कि 1 बचा है, तो 4:1 का रेशियो है उनके रेजिस्टेंसेस का, ये नंबर 1 हमारा आंसर आ गया। अभी नंबर 2 में बोल रहा है कि इसका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का रेशियो निकालो, तो लिखोगे कि एज दे आर ऑफ द सेम मटीरियल, एज द वायर्स आर मेड ऑफ सेम मटीरियल देयरफॉर देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलो या फिर क्या बोलो रेजिस्टिविटी, देयर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज सेम, देयरफॉर रेशियो क्या आया स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, जब दोनों का ही सेम है तो रेशियो ऑब्वियसली 1:1 है, दोनों का सेम होगा क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंडेंट है मटीरियल पे, मटीरियल चेंज होगा तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चेंज होगा, मटीरियल तो सेम ही है इसलिए सेम रेशियो। नाउ करते हैं सब नंबर 8, लिखा है अ गिवन वायर ऑफ रेजिस्टेंस 1 ओम इज स्ट्रेच्ड टू डबल इट्स लेंथ, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। पहला मतलब पुराना इसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस कोई भी लंबाई हो उस लंबाई में दिया हुआ है कि ये 1 ओम है, अब इसको हमने स्ट्रेच किया यानी लंबा किया उसी को खींचा तो डबल द लेंथ हो गया, तो इसका रेजिस्टेंस अभी 1 ओम है, लेंथ मान लो अभी एल है, जब इसको लंबा करते हैं तो नया लेंथ क्या हो जाता है डबल यानी कि 2L हो जाता है। अच्छा क्योंकि उसको एक चीज़ सोचो, अगर कोई चीज़ को हम उसी को खींच रहे हैं तो जो एरिया है जितना वो मोटा है वो भी तो कम हो जाएगा ना, खींचेंगे तो उसका एरिया भी कम हो जाएगा, तो अगर लेंथ बढ़ती है तो एरिया कम हो जाता है, कैसे कम हो जाता है, अगर अभी एरिया ए है तो बाद में ये जो एरिया है ये आधा हो जाएगा, बिकॉज लेंथ और एरिया जो है वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, जितना लेंथ बढ़ेगा उतना एरिया कम हो जाएगा, तो लेंथ अगर डबल हो गया एरिया हाफ हो जाएगा, तो एरिया अगर ए था अभी ए बाई टू हो गया, वायर सेम ही है, अगर सेम है तो उनकी रेजिस्टिविटी जो है वो दोनों की ही हम वो एक ही मानते हैं रो, क्योंकि वायर सेम है। अब रेजिस्टेंस पहले का आर वन अगर 1 एम्पियर है तो बताओ आर टू कितना होगा। ओके तो हम एक काम करते हैं, इस केस में हम इसकी रेजिस्टिविटी निकालते हैं, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है आर ए अपॉन एल, आर वन है ए को हमने ए ही माना एल को हमने एल ही माना यानी कि रेजिस्टिविटी ए वाई एल आया, और क्योंकि रेजिस्टिविटी सेम ही है वही मटेरियल को तो खींचा है तो रेजिस्टिविटी को हम यही ए वाई एल लेंगे, और अभी हम इसका रेजिस्टेंस निकालते हैं, रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन ए, रो तो ये रहा ए अपॉन एल, लेंथ इसका 2L है और एरिया इसका ए अपॉन 2 है, अब इसको सॉल्व करो, एल एल कट गया 2 ऊपर चला जाएगा तो ए मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 और अपॉन ए, ए ए भी कट गया तो 4 बचा, यानी कि जो 1 ओम था रेजिस्टेंस वो डबल लेंथ होने से 4 ओम हो गया। इसको ऐसे सम को पता है जब सॉल्व तो हमको ऐसे ही दिखाना पड़ेगा बिकॉज न्यूमेरिकल है तो हम ऐसे लिख लिख करके रिलेशन नहीं बता सकते बल्कि सॉल्व करके लाएंगे, बट ऐसे सम का आंसर हम पहले से सोच सकते हैं, कैसे हमको रेजिस्टेंस पता है कि लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर लेंथ डबल हुआ ठीक है, अगर लेंथ 2 times हो गया मतलब कि रेजिस्टेंस भी 2 times हो गया, इसका मतलब रेजिस्टेंस 1:2 यानी कि 2 ओम हो गया, फिर क्योंकि एरिया भी आधा हो गया, एरिया आधा हो गया ना, लेंथ बढ़ गया लेंथ डबल हुआ तो एरिया आधा हो गया, अब क्योंकि एरिया इज इक्वल टू हाफ आधा हो गया तो रेजिस्टेंस एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस के फैक्टर्स तुम लोगों को याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, रेजिस्टेंस लेंथ से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर एरिया आधा हो गया तो
रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा। तो टू टू ओम तो था ही, टू ओम में और टू टाइम्स कर दो तो फोर ओम हो गया। ये हमको हम रफ में समझ सकते हैं, बट तुम ऐसे लिख करके सम को नहीं कर सकते कि ये इन्वर्सली है, ये डायरेक्टली है, तो टू हो गया फिर फोर हो गया, ऐसे सॉल्व करके बताओगे। बट हमारे मन में हमको आंसर पहले ही मिल जाएगा, इसका आंसर फोर आना चाहिए, नहीं आया, यानी हम कहीं गलत कर रहे हैं। ओके ओके, नाउ करते हैं नेक्स्ट सम, दैट इज़ नंबर नाइन। थोड़ा थोड़ा पहले जैसा ही है, लिखा हुआ है कि अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम एंड लेंथ 10 सेंटीमीटर इज स्ट्रेच्ड टू लेंथ 30 सेंटीमीटर। 10 का 30 कर दिया, यानी 3 टाइम्स बढ़ा दिया हमने किसको, लेंथ को। अज्यूमिंग दैट इट हैज़ ए यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, यानी कि एक प्रॉपर बनाया हुआ वायर है, हर तरफ से यूनिफॉर्म है, तो खींचोगे तो एक साथ सबका एरिया कम होगा, तो वॉट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। अब देखो इसको हम सॉल्व तो करेंगे ही, बट हम रफ में कैसे सोच सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। ये देखो, रेजिस्टेंस 3 ओम है, लेंथ को 3 टाइम्स बढ़ा दिया, ठीक है, एक जो था उसी को खींचा तो वो 3 टाइम्स बढ़ गया, क्योंकि लेंथ 3 टाइम्स हुआ है तो रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स हो गया, 3 3 9, और एरिया जो था खींचने से वो 3 टाइम्स ही कम हुआ होगा, यानी 1/3 हुआ होगा, क्योंकि एरिया 1/3 हुआ है तो रेजिस्टेंस फिर से 3 टाइम्स हो जाएगा, बिकॉज एरिया और रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, फिर से मल्टीप्लाइड बाई 3, यानी कि इसका आंसर 27 ओम आना चाहिए हमारे हिसाब से, जो हमने रिलेशन सोचा। बट ऑब्वियस हम रिलेशन के हिसाब से सम नहीं करेंगे, हम प्रॉपरली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ आर एल ए दिया है, तो मैं इस पर्टिकुलर वायर की रेजिस्टिविटी निकालती हूँ, दैट इज़ आर ए अपॉन एल, यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई ए को हमने ए ही माना, अपॉन 10। और यहाँ क्या हुआ, अच्छा पहले यहाँ एरिया देख लेते हैं, क्योंकि लेंथ 3 टाइम्स हुआ है तो एरिया जो है वो 1/3 हुआ होगा, यानी कि एरिया ए बाई 3 हो गया। अब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस निकालते हैं, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो, दैट इज रेजिस्टिविटी मल्टीप्लाइड बाई लेंथ अपॉन एरिया। रेजिस्टिविटी तो सेम ही होगी क्योंकि सेम वायर है, तो रेजिस्टिविटी की जगह यही 3 है अपॉन 10 जो हमने यहाँ लाया वो यहाँ लिख दिया। लेंथ 30 है और एरिया a अपॉन 3 है। अब इसको थोड़ा ठीक से लिख दे, 3a अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाई 30, ये 3 एकदम नीचे है जो एकदम ऊपर चला जाएगा, नीचे a, a a कट, 10 3 जार 30, और देखो 3 3 जार 9 3 जार 27 ओम हमारा आंसर आ गया। तो हम आंसर इसमें सोच सकते हैं, बट सॉल्व तो ऐसे ही करोगे। तो आप बाकी के बचे हुए सम सेक्शन ए के वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मेरे उस वीडियो को मिस मत करना। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को अभी तक, ऐसे ही देखे जा रहे हो वीडियोस, तो सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना। ऑन करोगे तो ऑप्शन मिलेगा 3, उसमें ऑल वाला ऑप्शन दबाना, यानी कि मेरे जो भी वीडियोज़ होंगे, ऑल वीडियोज़ जब भी रिलीज़ होते, जब भी पब्लिश होते, आप लोगों तक उसका इन्फॉर्मेशन, उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, तो आप मिस नहीं करोगे। और अगर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं कर रहे हो मेरे वीडियोज़ को, तो शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। बाय बाय, जय हिंद।